उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं डीएम के आदेश पर रायबरेली में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि भारी बारिश के चेतावनी के बीच लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश से किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि धान की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि धान पूरी तरह से खेत से गिर गया है और खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे खेत में ही धान सड़ जाने की संभावना है। अचानक सक्रिय हुए मानसून से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। किसानों के साथ साथ कच्चे मकानों में रह रहे लोगों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ही चिंता है। रविवार की रात हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान पर पहुँच चुकी है गंगा नदी। किनारे रहने वाले गाँव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर वरुण वाजपेयी के साथ। हमारा नाम है दुर्गेश त्रिपाठी। कहाँ रहते हो आप? गांव भदोखर। क्या मामला है? मामला यह है कि यही है दिखे क्या ठंडी बिगहा, और ये देखो सब रात के बरसा पानी, सवेरे देखे तो सब पानी भरा, सब बहुड़ गए, सब धान फैल गए। अब एकदम कटे वाले धान रहे हैं। भला बताओ, यही यहाँ का सहारा हमार है, और कर्जा लेके हम धान बोए, अब इनका हम कर्जा कहाँ से भरा। बच्चा राजेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो आप? कुरचंदा में। कहाँ आए हो? यही खेत घूमने आए। अच्छा, क्या हुआ खेत में? अब खेत में यही बारिश और तूफान से हमारी सारी फसल जो है गिर गई है, जो है किसी तरीके जो है कर्जा पानी लेकर के धान लगवाए, मजदूरी दिए। अब बताइए, अब हम लोग कहाँ से किस तरीके से उसका वो करें जो है।